कि शीशे की अदालत है और शीशे की गवाही है, शीशे की अदालत है और शीशे की गवाही है, कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है, कातिल ही सिपाही है। जब ऐसे ही लोग उन्हीं ऊपर से नीचे बैठे हैं, अभी आप देखेंगे लोकसभा में एक तब आया है कि 90 वो जो चीफ सेक्रेटरी हैं उसमें से मात्र 3 लोगों भी इसी वर्ग से आते हैं। क्या बताइए कैसे कल्याण होने वाला है, या दूर या सिर्फ एक दिखावा है क्योंकि अभी तो पुरुष बिरादरी की बात हो रही थी, 3 लोग हैं, अगर महिला कर दिया जाते शायद एक भी नहीं हो पाएंगी इसीलिए लोग कर रहे हैं कि महिलाओं को जो 50% आरक्षण दिया जाए उसमें आरक्षण में आरक्षण दिया जाए, प्रावधान किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कि दिल में पड़ गए फफोले सीने के आग से, अपना ही घर जल गया घर के चिराग से। प्रमोद भैया ये बताइए, आप जो महिला आरक्षण बिल जो लोकसभा में पारित होने मतलब आया है, तो इस बिल को किस नज़रिए से आप देखते हैं? सर्वप्रथम हम आपके दर्शक गण को सादर नमस्कार करते हैं। जो महिला आरक्षण के लिए जो बिल लाया गया है वो स्वागत योग्य है, लेकिन उसमें वर्गीकरण होना अनिवार्य है। जैसे अगर जो वर्गीकरण नहीं होगा तो जो पिछड़ी जात की महिलाएं हैं, अनुसूचित जात की महिलाएं हैं, अनुसूचित जनजात की महिलाएं हैं, इन यह अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाएंगी, यह अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगी। लेकिन एक चीज़ फिर मन में उठता है कि जो OBC SC और ST से जीत करके या निर्वाचित होकर के जो लोग वहाँ पहुँचे हैं, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल में पड़ गए फफोले सीने के आग से, अपना ही घर जल गया घर के चिराग से। तो ये जो माननीय लोग गए हैं, इस पर उनको जोरदार मुद्दा उठाना चाहिए। अगर जो वर्गीकरण नहीं होता है तो मैं ऐसे बिल का मैं विरोध करता हूँ, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अगर जो इस तरह से बिल में वर्गीकरण किया जाता है, सबका जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर जो इस मेथड पर इस नियम पर अगर जिस बिल को पास किया जाता है तो मैं उसका स्वागत करता हूं और स्वागत करूंगा। तो जैसे जो बिल लाया गया है, कहा जा रहा है कि इससे महिलाओं की आर्थिक जो भी कहीं कहीं राजनीतिक भागीदारी है वो बढ़ेगी, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर जो पंचायत के चुनाव में तो महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जा रहा था, लेकिन अब यह आरक्षण 50% करने की बात हो रही है सभी जगह हर चुनाव में, या विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव हो। तो देखा जाता है यही कि चूंकि ग्रामीण परिवेश में जो कहीं ना कहीं जो OBC समाज है या अनुसूचित जाति है, ST और SC बिरादरी है, वो उस बिरादरी में आज भी महिलाएं कहीं ना कहीं पीछे हैं, उनकी हिस्सेदारी नहीं बन पाती है। तो सरकार तो कह रही है कि इससे कहीं ना कहीं महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी। बिल्कुल हिस्सेदारी तो बढ़ेगी, लेकिन हिस्सेदारी बढ़ने के साथ साथ जो जितना जनसंख्या जिसका जितना है, जिसका जितनी आबादी है, उसको इतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए। अगर जो ऐसा नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा 85% आबादी के साथ नाइंसाफी हो रहा है। यानी आपके हिसाब से आरक्षण में भी आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, तभी जाकर महिलाओं की स्थिति सुधर पाएगी। अरे बिल्कुल होनी चाहिए। अगर जो ऐसा नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा, और मैं ये मानता हूँ कि पिछड़ी जात की महिलाएँ और अनुसूचित जात की महिलाएं, जनजात की महिलाएं सिर्फ कांवड़ यात्रा के लिए तैयार रहें और छठ व्रत के लिए तैयार रहें, बाबा बागेश्वर धाम के जो है पंडाल की शोभा बढ़ाने के लिए तैयार रहें। अगर जो ऐसा नहीं होता है कि वर्गीकरण नहीं होता है, तो ये 85% की जो महिलाएं हैं ये सब भजन कीर्तन चारों धाम के लिए तैयार रहें। यानी आप इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर महिलाओं को इसमें OBC समाज या ST को अगर आरक्षण नहीं दिया गया तो सिर्फ किसी एक विशेष जात की महिलाएं सिर्फ चयनित होकर जाएंगी? अरे बिल्कुल जाएंगी, उसमें कहने की क्या बात? क्योंकि देखा जाता है जो उच्च बिरादरी होती है वही आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, जागरूक होते हैं, उन्हीं घर की महिलाएं अधिक कहीं ना कहीं शिक्षित हैं। अरे अभी तो देखा गया कि जो उसमें 8 लाख रुपया जिसका वार्षिक आय है उनको छात्रवृत्ति मिलती है, और हम लोग 5 लाख रुपये जो हमारा वार्षिक आय, तो हम धनी हो गए। इसी तरह से भेदभाव होगा? यानी आप जो EWS के तरफ इशारा कर रहे हैं? अरे बिल्कुल करेंगे। हम 5 लाख वार्षिक आय वाले छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं और 8 लाख वाला गरीब है। तो इधर भाई साहब ये बताइए, आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर? थोड़ा सूरज भैया, पहले और आपके चैनल को और आपके दर्शकों को हम आप स्वागत करते हैं उनका आपके चैनल में।
देखिए जो है बिल पास हुआ है, हम इसके समर्थन में हैं, लेकिन इसका जो फार्मूला बनाया गया, ढांचा बनाया गया, उसमें वर्गीकरण का सिद्धांत लागू होना चाहिए। जैसे ग्राम सभा और नगर पंचायत की चुनाव होती हैं, वह सीटें आरक्षित रहती हैं कि सम्मान का, जनरल का सम्मान का, पिछड़े का, दलित का, उसी तरह यहाँ भी प्रक्रिया लागू होना चाहिए। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस प्रक्रिया को जो है वैध माना है, और इस बिल में महिलाओं को समता लागू करने के लिए, हर स्तर की महिलाओं को जोड़ने के लिए आरक्षण लागू होना चाहिए, क्योंकि तभी महिला वहाँ तक पहुँच सकती है जब उसको आरक्षण से दिया जाएगा। तब आप देख लीजिए, जो रोड पे मोची है या कोई और है, जो रोड पे ठेला वाला है, उसकी पत्नी सांसद कैसे बन सकती है? जब तक उसको आरक्षण नहीं दिया जाएगा तब तक वहाँ वो नहीं पहुँच पाएगा। यानी जो गरीब तबके के लोग हैं उनको इस आरक्षण के माध्यम से उनको सहूलियत देनी चाहिए, ताकि जो ग्रामीण परिवेश की औरतें हैं जो कहीं कहीं राजनीति में जाना चाहती हैं, तो उनको एक तरह से फायदा मिलेगा उस आरक्षण के हिसाब से देखा जाए। तब तभी मिलेगा, तभी वहाँ पहुँच पाएंगी और अपने जो है बात को वहाँ अपने आरक्षण का लाभ उठा पाएंगी। सोनू भाई, अक्सर देखा जाता है कि आज अगर पूरा अगर डाटा निकाला जाए, जो भी सांसद या विधायक, जो भी महिलाएं आज तक चुनी गईं, तो उसमें 90% महिलाएं कहीं कहीं उच्च बिरादरी से आती हैं। जी बिल्कुल एकदम। हाँ, तो उसी की वजह से लोग डर रहे हैं कि अगर महिला आरक्षण 50% लागू हो गया और इसमें महिलाओं का वर्गीकरण नहीं किया गया, तो पुनः वही 90% रहैया 50% में 40% लगभग वही हो जाएंगे। जो आर्थिक रूप से मजबूत रहेगा वही तो सांसद विधायक बन पाएगा, और आर्थिक रूप से मजबूत आप लोग जानते ही हैं, और हमारे जो पिछड़े वर्ग के महिलाएं हैं, जो अनुसूचित वर्ग की महिलाएं हैं, जो अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं, उन महिलाओं को आप देखेंगे आज भी बहुत पिछड़ी हुई हैं, क्योंकि पार्टियां उन्हें टिकट देती हैं जो आर्थिक और शैक्षिक और समाज में इनकी पकड़ रहती है, मजबूत रहती है, उन्हीं को टिकट देती है ताकि चुनाव जीते। जो है आर्थिक रूप से आर्थिका पर टिका हुआ है, जो आर्थिक रूप से मजबूत है वही राजनीति में आगे है। बिना पैसे कोई ग्राम प्रधान नहीं बन पा रहा है, प्रधान नहीं बन, तो कैसे सांसद बनेगा? क्योंकि ये भी एक षड्यंत्र है, चुनाव को महंगा करने के पीछे ये भी एक षड्यंत्र है, ताकि गरीब तबका अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहे तो उसकी हिम्मत न हो उस धनी आदमी के सामने खड़ा होने की। आप आज आप देख लीजिए, आप कितने भी संघर्षशील हैं, आप कितने भी तेज तर्रार अच्छे व्यक्ति हैं, आप पढ़े लिखे शिक्षित हैं, आपको वोट लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, उनको दारू पैसा और जो है कि कपड़ा और गहना नहीं दे पाएंगे, इसलिए इस चुनाव को महंगा कर दिया गया ताकि अमीर लोग ही चुनाव लड़ पाएँ, और अमीर लोग और अमीर होते जाएं और गरीब लोग गरीब ही रह जाएं, आगे न बढ़ पाएँ, तो इसलिए ये जो आरक्षण। लेकिन प्रमोद भाई, ये बताइए, विडम्बना यह है कि आज तमाम OBC और SC वर्ग के सांसद चुनकर गए हैं संसद भवन में, लेकिन किसी ने भी इस मुद्दे को पूरे बराकी से नहीं उठा रहे हैं। लोग भले सत्ता पक्ष के साथ हैं भले ही, लेकिन समुदाय विशेष होने के नाते उनको मुद्दा उठाना चाहिए था ना। बिल्कुल, मैंने तो एक शायरी के माध्यम से आपको तो बताया, लेकिन उनके षड्यंत्र को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपको फिर पुनरावृत्ति करता हूँ कि शीशे की अदालत है और शीशे की गवाही है, शीशे की अदालत है और शीशे की गवाही है, कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है, कातिल ही सिपाही है। जब ऐसे ही लोग उन्हीं ऊपर से नीचे बैठे हैं, अभी आप देखेंगे लोकसभा में एक तब्द आया है कि 90 वो जो चीफ सेक्रेटरी हैं उसमें से मात्र 3 लोगों भी OBC आते हैं। बताइए कैसे कल्याण होने वाला है, या दूर या सिर्फ एक दिखावा है? क्योंकि अभी तो पुरुष बिरादरी की बात हो रही थी, 3 लोग हैं, अगर महिला कर दिया जाता है शायद एक भी नहीं हो पाएंगी। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को जो 50% आरक्षण दिया जाए, उसमें आरक्षण दिया जाए, प्रावधान किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल।